हे भाई लोग, कैसे हो सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग तो बहुत ही बढ़िया होंगे। तो हाल ही में टेक्नो ने बजट प्राइस रेंज के अंदर एक कमाल का स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, टेक्नो स्पार्क गो 2024 एडिशन। अमेज़न के ऊपर टेक्नो ने इस स्मार्टफोन का प्राइस रखा है 7000 के नीचे, लेकिन अंडर 7000 का स्मार्टफोन होने के बाद भी टेक्नो ने कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किया है जो 10000 के ऊपर वाले स्मार्टफोन के अंदर भी देखने के लिए नहीं मिलता है। बट फोन के अंदर प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। तो अभी चलो इस स्मार्टफोन का एक क्विक अनबॉक्सिंग के साथ कंप्लीट फ्री फायर गेमिंग टेस्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले इस स्मार्टफोन का कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन की बात करें तो टेक्नो स्पार्क गो 2024 एडिशन के अंदर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा 6.56 इंच फुल एचडी प्लस 90 हर्ट्ज एलसीडी डिस्प्ले। गेमिंग के लिए प्रोसेसर है यूनिसर T606, एक बेसिकली 4G चिपसेट है। बैटरी है 5000 mAh प्लस 10W इनबॉक्स चार्जर। रियर कैमरा है 13MP का प्लस 2MP AI लेंस। सेल्फी कैमरा है 8MP का। दो ही डेमो स्टोरेज वेरिएंट है। 364 का प्राइस है 6700 रुपीज़, 464 GB का प्राइस है 7000 रुपीज़, लेकिन आफ्टर बैंक ऑफर 464 आप लोगों को मिल जाएगा 6500 रुपीज़ के अंदर। हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बाद अभी चलो एक क्विक अनबॉक्सिंग को देख लेते हैं। तो बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा हमारा डिवाइस टेक्नो स्पार्क गो 2024 एडिशन, और डिवाइस के ऊपर यहाँ पर सारे स्पेसिफिकेशन मेंशन किया है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर है कुछ यूजर मैनुअल्स पेपर, मतलब टेक्नो की तरफ से लव लेटर, एक सॉफ्ट सिलिकॉन का टीपीयू केस, और अंडर 7000 पर टेक्नो ने यहाँ पर टीपीयू केस प्रोवाइड किया है, जो एक बहुत बढ़िया चीज़ बोल सकते हो। नेक्स्ट बॉक्स के अंदर है एक 10W का एडाप्टर, एक टाइप ए टू टाइप सी चार्जिंग केबल, उसके साथ ही एक सिम इजेक्टर पिन। तो क्विक अनबॉक्सिंग के बाद अभी चलो फोन को फटाफट सेटअप करके सीधा गेम की तरफ चलते हैं। और अभी गेम के अंदर आने के बाद सबसे पहले ग्राफिक्स और सेंसिटिविटी की बात करें तो सेटिंग्स के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर सेंसिटिविटी देख सकते हो जनरल 100, रेड डॉट को भी मैं यहाँ पर 100 ही कर दिया। नेक्स्ट ग्राफिक्स की बात करें तो देख सकते हो मैं अल्ट्रा के ऊपर खेल रहा हूँ, और मैक्स ग्राफिक्स के ऊपर ये स्मार्टफोन नहीं हैंडल कर पाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है 7000 का स्मार्टफोन है। तो अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर मैं खेल रहा हूँ, उसके साथ हाई एफपीएस कलर फिल्टर और जो हाई रेस होता है उसको गाइस मैं नॉर्मल के ऊपर ही सेट करके रखा। तो अभी चलो अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर सबसे पहले कुछ क्लैश स्क्वाड रैंक और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का गेम प्ले देखते, उसके बाद इस स्मार्टफोन के बारे में आप लोगों को सब कुछ क्लियर करके बोलता हूँ। तो गाइस आप लोगों ने तो अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर CS मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया, तो अभी चलो अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर ही सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप रैंक मैच का भी कुछ गेम प्ले को देखते हैं।
kill. Triple kill. ऑल राइट गाइस, आप लोगों ने तो अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड और सोलो वर्सेस स्क्वाड फुल मैप पर एक मैच का कुछ गेम प्ले यहाँ पर देख लिया। तो अभी इस स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस के बारे में कुछ जानकारी आप लोगों को देते हैं। सबसे पहले अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड मैच की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर जो चिपसेट है यूनिसेक T606, ये प्राइस रेंज के हिसाब से मतलब अंडर 7000 के हिसाब से काफी बढ़िया चिपसेट है, क्योंकि इसका एंटीटू बेंचमार्क स्कोर है 2,30,000 के करीब। तो प्राइस रेंज के हिसाब से इतना अच्छा एंटीटू बेंचमार्क स्कोर होने के वजह से यहाँ पर आप लोगों का अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर क्लैश स्क्वाड मैच के अंदर ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन अभी नया है। बट लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, 7000 का स्मार्टफोन है इसलिए स्टैंडर्ड या मैक्सिमम अल्ट्रा के ऊपर खेल सकते हो, उसके ऊपर मत जाना। बट गाइस फुल मैप रैंक मैच की बात करें तो फुल मैप रैंक मैच के अंदर आप लोगों को अल्ट्रा ग्राफिक्स के ऊपर हल्का फुल्का लैग और फ्रेम ड्रॉप देखने के लिए मिल जाएगा, इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए फुल मैप रैंक मैच को स्मूथ या मैक्सिमम स्टैंडर्ड ग्राफिक्स के ऊपर खेल सकते हो। तो गाइस 7000 के हिसाब से फोन का गेमिंग परफॉर्मेंस तो मेरे को ठीक ठाक ही लगा है। नेक्स्ट सेंसिटिविटी की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर आप लोगों को प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले मिल रहा है, क्योंकि 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट है इस स्मार्टफोन के अंदर। तो एंट्री लेवल स्मार्टफोन के हिसाब से सेंसिटिविटी को लेकर आप लोगों को कोई भी इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा। नेक्स्ट गाइस बैटरी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh का एक मैसिव बैटरी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो बैटरी परफॉर्मेंस डिसेंट है, बट यहाँ पर जो चार्जर बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया है वो गाइस सिर्फ 10 वाट का चार्जर है, और इतना छोटा चार्जर होने की वजह से बैटरी को चार्ज करने के लिए 2 hours 15 minutes के ऊपर टाइम लग जाता है। कैमरा ठीक ठाक है, आप लोगों का कम तो चल जाएगा। इसलिए वजह से स्मार्टफोन के अंदर प्राइस रेंज की सबसे पंच होल डिस्प्ले, डायनामिक आइलैंड, 3.5 mm ऑडियो जैक, डुअल स्टीरियो स्पीकर, भाई डुअल स्टीरियो स्पीकर 10,000 के ऊपर वाले स्मार्टफोन के अंदर भी देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन इस स्मार्टफोन के अंदर कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो इससे बेहतर स्पेसिफिकेशन भाई लोग और क्या चाहिए। तो गाइस ये था टेक्नो स्पार्क गो, एक एंट्री लेवल स्मार्टफोन का कुछ हाईलाइटेड स्पेसिफिकेशन और कुछ फ्री फायर गेम प्ले। अभी आते हैं कंक्लूजन पर कि 7000 के हिसाब से ये स्मार्टफोन आप लोगों को परचेस करना चाहिए या नहीं। तो गाइस देखो एंट्री लेवल प्राइस रेंज की सबसे फोन तो भाई एकदम जबरदस्त है, बट एक चीज कहना चाहता हूँ, अंडर 7000 का स्मार्टफोन है इसलिए गेमिंग परफॉर्मेंस को लेकर ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो गाइस आज के वीडियो पर तो इतना ही, अगर भाई का वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो भाई के लिए वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलो मिलते हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।